हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इनकम टैक्स की वीडियो में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा असेसमेंट ऑफ कंपनीज का। तो आज इस टॉपिक का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ कंपनीज के टॉपिक को। तो वीडियो के सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर यदि हम कंपनी एक्ट 1956 की अगर यदि हम डेफिनेशन देखते हैं, ये डेफिनेशन आप पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं तो आपको याद भी होगी। ए कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट। मतलब कंपनी क्या होती है, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि एक जो आपका कंपनी एक्ट है 1956 उसके अंडर में रजिस्टर हुई हो या और किसी भी कंपनी एक्ट के अंडर में रजिस्टर हुई हो। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है आपके कंपनी एक्ट की। अगर यदि हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं तो थोड़ी सी वाइडर हो जाती है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 है वो कंपनी की जो डेफिनेशन उसको डिफाइन करता है। तो कंपनी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एक कंपनी मींस एनी इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडिया से आउटसाइड भी अगर यदि रजिस्टर्ड हुई है तो भी वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में कंपनी मानी जाती है। एनी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन और बॉडी विच वॉज असेस्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि जिसको कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में असेस किया गया है, इज अ कंपनी एज ए कंपनी के तौर पे फॉर असेसमेंट ईयर अप टू इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर 1971, यानी कि 1971 से स्टार्ट होकर अब तक उसको एक कंपनी के रूप में असेस किया गया है, तो इसको भी हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी मानेंगे। इसके बाद एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एंड वेदर इंडियन और नॉन इंडियन, मतलब चाहे उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे वो इंडियन है या नॉन इंडियन है, विच वॉज डिक्लेयर्ड बाई द सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसने उसको एज ए कंपनी डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसको भी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी माना जाएगा। आप इस चीज को आप हिंदी इंग्लिश में दोनों साइड देख सकते हो, सेम डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में और वही डेफिनेशन जो है वो हिंदी में लिख रखी है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके इन चीज को आप रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ कंपनीज, मतलब इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यदि हम देखते हैं तो कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। अब देखिए सबसे पहले आती है हमारी इंडियन कंपनी। जो इंडियन कंपनी है वो आपकी आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 के अकॉर्डिंगली हम इसको डिफाइन करते हैं। इंडियन कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956, जिसको कि कंपनी एक 1956 के अंडर में बनाया गया है और रजिस्टर किया गया है। एंड इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, राइट, फॉर्मली इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया अदर देन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्पेसिफाइड यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा इंडिया के किसी भी पार्ट में वो कंपनी के रूप में बनाई गई है और रजिस्टर्ड की गई है। इसके बाद एक कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और ए प्रोविंशियल एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 पार्ट 1 ए के अकॉर्डिंग इनको एस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंगली। एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी विच डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड टू बी ए कंपनी, जिसको कि एक बोर्ड ने कंपनी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 क्लोज 2 के अकॉर्डिंगली। इसके बाद इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स इन द स्टेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 क्लोज 2 में एंड इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, यही चीज अगर रजिस्टर्ड होती है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 क्लोज 3 में आती है। ठीक है, तो इस सारी कंडीशंस के अंदर जो कंपनी कहलाएगी वो एक इंडियन कंपनी कहलाएगी। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, इन ऑल द अबव केसेस प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी यानी कंपनी का जो कार्यालय है, मेन जो हेड ऑफिस होता है, मेन जो कार्यालय होता है कंपनी, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन और बॉडी मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि जो उसका प्रिंसिपल ऑफिस है वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड होना चाहिए, तभी उसको हम इंडियन कंपनी मानेंगे। इसको फिर मैंने इंग्लिश और हिंदी में फिर ये डिफाइन कर रखा है, इसको साइमल्टेनियसली आप इसको देख लीजिए, इंडियन कंपनी क्या होती है, इसको इंग्लिश में इस साइड में और यहां पर हिंदी में। वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड जो कंपनी आती है, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी कि एक ऐसे कंपनी जिसमें पब्लिक का सार्वान हित होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 के अकॉर्डिंगली इसमें हम इसको कंपनी को डिफाइन करते हैं। ए कंपनी इज सेड टू बी ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। फर्स्ट, इट इज ए कंपनी ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी कंपनी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑन की जाती है। इसके बाद एटलीस्ट 40% ऑफ शेयर्स, राइट, 40% ऑफ इट्स शेयर्स बाय मॉनेटरी वैल्यू आर हेल्ड सिंगली और ज्वाइंटली बाय द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन ओन्ड बाय दैट बैंक। मतलब उसके 40% शेयर गवर्नमेंट के द्वारा खुद से सिंगली या ज्वाइंटली गवर्नमेंट के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसमें होल्डिंग रखते हैं। थर्ड में, इट इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, यानी कि कोई भी कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 8 के अंडर में रजिस्टर्ड होती है तो उसको हम पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कंपनी बोलेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल में है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इट इज ए कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड इफ हैविंग रजिस्टर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मेंबरशिप एंड अदर रेलिवेंट कंसिडरेशन इज डिक्लेयर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड टू बी ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है ना, या तो बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया गया हो पब्लिकली कि ये जो कंपनी है इसमें पब्लिक का सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है। इसके अलावा इट इज म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी है। इट इज ए कंपनी विच कैरीज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द बिजनेस एक्सेप्टेंस डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड विच इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी निधि और म्यूचुअल फंड बेनिफिट सोसाइटी। ऐसी कंपनी को भी हम पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कंपनी बोलेंगे। उसके बाद सोसाइटी पार्टिसिपेटिंग कंपनी, इन ए कंपनी वेयर इन शेयर्स कैरिंग एटलीस्ट 50% ऑफ वोटिंग पावर हैज बीन हेल्ड बाय वन और मोर कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू आउट द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये सारी की सारी कंडीशन में जो भी कंपनी होगी उसको हम बोलेंगे कंपनी हैविंग सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बाय द पब्लिक। हिंदी इंग्लिश में आप इसको फिर रीड आउट कर सकते हैं, सेम जिस तरीके से हमने पीछे वाले टॉपिक्स में किया है। अब आते हैं वाइडली हेल्ड कंपनी, ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इज नोन एज द widely held company, यानी कि जिसमें पब्लिक का substantial इंटरेस्ट होता है उसको हम widely held company बोलेंगे। Next, closely held company, a company in which public are not substantially interested,
यानी कि जिसमें पब्लिक का सबस्टांशियल इंटरेस्ट नहीं होता, उसको हम क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलेंगे। डोमेस्टिक कंपनी, ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, डोमेस्टिक कंपनी मींस इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना। इसके बाद आता है फॉरेन कंपनी, ए कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ए फॉरेन कंपनी डज नॉट मेक द प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर डिविडेंड पेमेंट करने के लिए वो कोई अरेंजमेंट नहीं बनाती है, तो ऐसी कंपनी जो है वो आपकी फॉरेन कंपनी कहलाएगी। इसके बाद आती है आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी होती है? कंपनी वॉज ग्रॉस टोटल इनकम, दिमाग में रखना ये, ग्रॉस टोटल जो इनकम है कंपनी की, कंसिस्ट मेनली इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऐसी कंपनी को हम इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलेंगे। अदरवाइज जो कंपनी की इनकम होती है वो आपकी बिजनेस हेड में टैक्सेबल होती है, स्पेशली मतलब जो भी ऑपरेटिंग का काम करती है तो बिजनेस में उसकी इनकम आती है। लेकिन अगर यदि किसी भी कंपनी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलेंगे। कंसल्टेंसी कंपनी है, कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी मींस इंडियन कंपनी वोज बिजनेस एक्टिविटी कंसिस्ट ओनली ऑफ प्रोविजन ऑफ टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड है, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन कनेक्शन विद प्रोविजन ऑफ टेक्निकल नो हाउ, ठीक है, तो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है या इनसे रिलेटेड है टू द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को, तो ऐसे कंपनी कहलाएगी आपकी कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी। बैंकिंग कंपनी आती है, बैंकिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी टू विच द बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज एंड इंक्लूड एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन सेक्शन 51 ऑफ दिस एक्ट, तो ऐसी कंपनियां आपकी बैंकिंग कंपनियां कहलाती है। तो ये सारा का सारा था आपका बैंकिंग के बारे में, सॉरी टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आती है, ए पर्सन हैविंग सबस्टांशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, यानी कि एक व्यक्ति जिसको कंपनी में सबस्टांशियल इंटरेस्ट माना जाता है, तो वो कौन सा होता है? ए पर्सन इज डीम्ड टू हैविंग ए सबस्टांशियल इंटरेस्ट इन द अफेयर ऑफ कंपनी इफ ही इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% वोटिंग पावर, यानी कि जिस भी किसी कंपनी में 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होगा तो वो उस कंपनी में सबस्टांशियल इंटरेस्ट माना जाएगा उस व्यक्ति का। प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होते हैं कंपनी में? सबसे पहले द सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजर और एजेंट ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के अंदर प्रिंसिपल ऑफिसर माने जाते हैं। और इसके अलावा एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अपॉन हुम द असेसिंग ऑफिसर हैज सर्वड ए नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू बी ट्रीटिंग हिम एज ए प्रिंसिपल ऑफिसर देयर ऑफ। इसके अलावा भी कोई भी व्यक्ति मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड है जिसको कि प्रिंसिपल ऑफिस के रूप में लेटर इश्यू किया गया है, तो उसको हम प्रिंसिपल ऑफिसर जो है कंपनी में हम मानते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में डिफाइन है आपका। जो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको दो टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में कंपनी दो पार्ट में आती है, एक तो रेजिडेंट कंपनीज और एक नॉन रेजिडेंट कंपनी। कंपनी में जो एनओआर वाला प्रोविजन है जो कि हम एक इंडिविजुअल के लिए देखते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं होता। कंपनी या तो रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट हो सकती है। अब इसका क्या ग्राउंड है, अब देखिए रेजिडेंट कंपनी होगी, कौन सी कंपनी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी? इट इज ए इंडियन कंपनी, ठीक है, या तो वो कंपनी इंडियन होनी चाहिए या फिर
ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन इंडिया। अगर यदि उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरी तरीके से इंडिया में सिचुएटेड है या फिर वो एक इंडियन कंपनी है तो ऐसी कंपनी को हम रेजिडेंट कंपनी मानेंगे, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में देखिए, एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ए रेजिडेंट कंपनी, ठीक है। कोई भी इंडियन कंपनी है वो हमेशा रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। इवन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज ऑफ अफेयर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। ध्यान रखना बात ये कि अगर यदि कोई भी रेजिडेंट कंपनी है, कोई भी इंडियन कंपनी है, वो एक रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी चाहे उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया से बाहर सिचुएटेड हो। इसके अलावा ए नॉन रेजिडेंट कंपनी ऑफ ए फॉरेन कंपनी और ए फॉरेन कंपनी विल बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एनी प्रीवियस ईयर ओनली इफ द एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर ऑफ सच कंपनी ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है ना। अगर यदि नॉन रेजिडेंट कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, अगर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर इंडिया के अंदर है तो ऐसी कंपनी भी आपकी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। नॉन रेजिडेंट कंपनी, ए कंपनी शैल बी नॉन रेजिडेंट इफ इट इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इट मीन्स ए फॉरेन कंपनी जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया से बाहर सिचुएटेड है पूरी तरीके से या पार्शियली, यानी कि पार्शियली इंडिया में और पार्शियली बाहर है तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। पूरी तरीके से या पार्शियली भी अगर यदि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो ऐसी कंपनी को हम फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट कंपनी मानेंगे। चलिए अब इनकम देखते हैं, कौन सी इनकम रेजिडेंट कंपनीज के लिए टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी टैक्सेबल होती है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर यदि कोई भी इनकम इंडिया के अंदर रिसीव्ड है तो वो दोनों कंपनीज के लिए टैक्सेबल होती है। इसके बाद इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी इनकम जो है दोनों कंपनीज के लिए टैक्सेबल होगी। दीज इनकम्स एक्चुअली आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया बाय द एसएससी, इंस्टेड ऑफ दीज आर क्रेडिटेड इन द अकाउंट, ठीक है ना। कौन कौन सी ऐसी इनकम होती है, जैसे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी एड्स इश्यू, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस जो है, ये सारी के सारी इनकम जो है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएंगी तो ये टैक्सेबल हो जाएंगी। इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, ये इनकम भी टैक्सेबल होंगी, ठीक है ना। एक दोनों टाइप की जो कंपनीज है, रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। इसके बाद आती है इनकम डीम्ड टू और एक्रू और अराइज इन इंडिया, या तो कोई भी ऐसी इनकम ऐसा अराइज हो कि भाई ये इंडिया के अंदर डीम्ड टू बी अराइज है और एक्रू हुई है, तो ये इनकम भी जो है दोनों टाइप की कंपनीज के लिए जो है वो टैक्सेबल होती है। इसके अलावा एनी इनकम एक्रूइंग और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये इनकम जो है सिर्फ रेजिडेंट कंपनी के लिए टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। और लास्ट आती है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम है तो वो किसी भी कंपनी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट जो है दोनों टाइप की कंपनीज है वो दोनों के लिए एग्जेम्प्ट होगी। तो अगर यदि हम समूह में बोले कि अगर यदि कोई भी इनकम इंडिया के अंदर अराइज हुई है, रिसीव्ड हुई है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड और डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया है, वो दोनों टाइप की कंपनीज के लिए टैक्सेबल होगी। और इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया है तो रेजिडेंट कंपनी के लिए वो टैक्सेबल होगी और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी सिर्फ इनकम इंडिया में अराइज हुई है और इंडिया में रिसीव्ड हुई है। तो ये आज के टॉपिक के बारे में पूरा था। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।